एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और दिन का शुरुआत टाइसन और टॉम का मस्ती और टाइसन का भौंकने से हो रहा है। कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब उसको मारोगे तुम? हाँ टाइसन, कोई तो आया होगा आसपास में, इसको पता चला होगा तो देखो खड़ा हो गया। तो मैं बना रही हूँ आज ढोकला, ब्रेकफास्ट में ढोकला बना रही हूँ। तो अभी इसको मैं रख दूँगी 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद ऐसे ही नाइफ को अंदर में पुश करना। जब अंदर में क्लीन नाइफ आएगा इसका मतलब हो गया। चाहे केक बनाओ, ढोकला बनाओ, कुछ भी स्टीम वाला चीज़ अगर बनाओ तो ढोकला रेडी हो गया है। मैं इसको कट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी है, रुका नहीं जा रहा है मुझसे। बताओ, सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। कटिंग है वो अपने हिसाब से, अब कट कर लो, कुछ मसला नहीं है। कटिंग थोड़ा सा ठंडा करके कट किया जाए ना तो अच्छे से इजीली कट भी हो जाता है और पीसेस भी निकल जाता है। पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं गरम गरम में अपना छुरी को घुमा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लगी है, टाइम भी नहीं है। तो जल्दी फटाफट खाना खा के, ब्रेकफास्ट करके फिर मुझे बहुत सारा काम है, वो भी तो निपटाना है। इसलिए मैं जैसे तैसे करके इसको कट कर रही हूँ। पर आप लोग अगर कट करोगे तो थोड़ा सा इसको ठंडा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ठंडा करके कट करोगे वो बेटर रहेगा। बेटा हम लोग के घर पे कोई नहीं आ रहा है? हाँ हम लोग के घर पे कोई नहीं आ रहा है। गुड बॉय, आपके घर में कोई आ सकता है? हाँ किसी की इतना हिम्मत है? शांत हो जाओ। हाँ मेरा जान, आए मेरा बेटा, मेरा घर का रखवाला। मेरे बेटू। और इसको मैंने तड़का लगा दिया तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको जल्दी से फटाफट मैं खा लेती हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा है। टॉम को ट्रीट देखते ही देखो कैसे अब आ रहा है। अब तो मतलब मेरे पे बहुत ज़्यादा लाड आएगा इस लड़के को क्योंकि मेरे हाथ में ट्रीट है। देखो कैसे अपना उठ के अपना ट्रीट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यू फ्लेवर है तो मैं उसको आज ये ट्रीट दूंगी। मॉर्निंग में मैं एवरी डे ट्रीट देती हूँ उसको। तो अभी तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, तो ये सारे जो पल होता है ना ये मेरा मतलब बहुत ज़्यादा खास होता है टाइसन और टॉम के लिए। वो लोग जब खाते हैं, उन लोगों को जब मैं खिलाती हूँ, पैम्पर करती हूँ, उन लोगों को जो खुशी मिलती है ना मुझे उन लोगों को खुश देख के, वो अलग लेवल का ही है। जिन लोगों के पास पेट है वो लोग मेरे इमोशन को समझ रहे होंगे। है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। का सब काम निपट लिया, अब मैं पेट पूजा करके आ गई हूँ जिम में वर्कआउट के लिए। आज मेरे ट्रेनर नहीं आया है तो मैं अकेला ही कर रही हूँ। पर कोई बात नहीं, उनका तबीयत ख़राब था तो उनको रेस्ट का भी ज़रूरत है। तो वर्कआउट हो गया, अब मैं आ गई हूँ अपना हेयर को कट करने के लिए क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा मतलब मेरा बहुत टाइम से मेरा सामने का फ्रंट का जो हेयर है वो लॉन्ग लॉन्ग ही है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग ही है, कोई डिज़ाइन नहीं है। तो अभी मुझे शौक चढ़ा है कि मैं थोड़ा सा छोटा करूँ ताकि सामने थोड़ा सा यू नो डिज़ाइन, थोड़ा सा लुक थोड़ा सा चेंज हो। तो मैं वही मैं हेयर कट नहीं कराती हूँ, हर 2 महीने में 3 महीने में मैं अपना ट्रिम कराती हूँ यहीं पे, ये भैया का हाथ से ही करवाती हूँ। तो मैं ट्रिम तो मुझे करना ही था, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं सामने का थोड़ा सा मैं लुक चेंज करती हूँ। तो मेरा हो गया है, अब मैं घर जा रही हूँ। कितना अच्छा मौसम हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब फटाफट घर जाके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मेरा न्यू हेयर कट कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताना कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ क्योंकि ये ना कम से कम 6 साल बाद मैंने कुछ हेयर ऐसा सब फ्रंट में कट किया है, नहीं तो मेरा लॉन्ग ही रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जाके घर में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं रहा। ये रहा फाइनल, कुछ ज़्यादा नहीं, नीचे का मैंने ट्रिम किया है, सामने का फ्रंट में थोड़ा सा कट किया है ऐसा छोटा, और अभी ऐसा डिज़ाइन दिख रहा है सामने का। और मैंने छोटा सा एकदम अच्छे से ट्रिम ही कर लिया है।
तो हेयर मुझे थोड़ा शॉर्ट लग रहा है, पर ज़्यादा नहीं, ट्रिमिंग करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपका हेयर अच्छे से, मतलब आपका नीचे का हेयर डैमेज हो जाता है तो ग्रो नहीं करता है। तो अच्छा तो लग रहा है मुझे, आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, जल्दी से फ्रेश वगैरह हो गई, नहा लिया, उसके बाद में फ्रिज से निकाली ठंडा ठंडा मैंगो। ये है ये कौन सा मैंगो है, ये हिमसागर है। यस, मैं हिमसागर बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं जल्दी से इसको खाना खा लेती हूँ। तो मेरा खाना पीना हो गया, और अब मैं एक सूट गाइस कर रही मैं थी, और ये सूट देखो कर रही टॉम, थी अरे ये नायका देखो मेरा का, कछुआ नायका का सारा और डब्बा, और देखो टॉम टॉम यहाँ यहाँ पे पे खेल खेल रहा है, क्योंकि अरे वो मैं टॉम, जब भी नहीं नहीं सूट मैं करती दिख हूँ ही कुछ नहीं पा करती रही हूँ, हूँ, आप लोग टॉम भी को नहीं आना देख पा होता है रहे हो ना कैसे छुप गाइस। रहा है, देखो जैसे कि मेरे को दिख ही हाँ हाँ नहीं रहा कोई है नहीं देख वो, पा रहा है, एकदम टॉम दिख को नहीं नहीं, रहा है, टॉम आप लोगों को छुप दिख रहा गया है है, क्या, टॉम कोई नहीं नहीं दिख रहा सब है ना। कुछ ठीक है। तो मेरा सब कुछ हो गया, अब रात में थोड़ा सा सोच रही हूँ कि बाहर जाऊँ, थोड़ा सा कुछ घुमा जाए, थोड़ा सा घूम फिर के आती हूँ। तो मैं चाय पीने जा रही हूँ, और मैं अपना फेवरेट प्लेस में जा रही हूँ, तो कुछ नहीं, बस ये ट्राउज़र डाल लिया, क्रॉप टॉप डाल लिया है, और अपना हेयर को थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, क्योंकि आज ही तो नया हेयर कट किया है ना, तो अभी 2 दिन बहुत अपने आप को ताड़ूंगी मैं। ऐसा होता है मेरे साथ, तो ऐसा होता है कि नया नया कुछ भी कराऊँ ना, तो बहुत देखती हूँ, बहुत मतलब अपने आप को बहुत निहारती हूँ। फिर चलो निकल गई हूँ, और अभी देखो कितना सन्नाटा है, क्योंकि रात के मैं ऑलमोस्ट 1 बजे, 12:30, 1 बजे तक निकली हूँ, मैं लेट नाइट ही निकलती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे नाइट में, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव भी हो जाता है, बहुत ही सुकून, कोई भी कुछ भी ट्रैफिक नहीं रहता है, ऐसा ही होता है, तो अच्छा भी लगता है। पर यहाँ पे ना एक चीज़ हो रही है, यहाँ पे ना एक्सीडेंट हो गया है सामने, इसलिए इतना ट्रैफिक है, तो अल्लाह करे जिसका भी कुछ भी हुआ है उसको अल्लाह खैरियत से रखे, लंबी हयात दे, आप लोग भी दुआ करना। ये सर देखो कैसे एकदम गाड़ी पूरा उलट गया है, और पूरा एकदम पुलिस सब कुछ यहाँ पे, तो मतलब बहुत ही न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह सब कोई आ गया है, पूरा एकदम पूरा भरा पड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये सारी चीज़ पर सुनने में आ रहा था कि जो भी ड्राइव कर रहा था वो पूरा एकदम ड्रंक था। समझ रहे यही हो ना सारे सर, चीज़ आज करना नहीं चाहिए, ड्राइव करो सेफली करो, जो भी हो, हम लोग आ गए वही हैं, और है मैंने सिंगाड़ा अल्लाह ले के लिए, एक ही अरे जो चक्कर मिर्ची में। देता है ना ये मसाला वाला, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक ये सिंगाड़ा सर किया, और केसर वाली देगा चाय पी रही हूँ। चाय तो है, मेरी तो चाय ही तो सब कुछ है, चाय तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ कुछ ज़्यादा ही चटकदार था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था, तो चट करके लगा, पर चलो ठीक है, इंजॉय करती हूँ। और मेरे ना एक चीज़ और मेरे को खाना था, वो क्या बताऊँ, तो मेरे को लस्सी भी पीना था, यहाँ का लस्सी भी बहुत अच्छा है, पर कह रहा चाय पी रही हूँ, समोसा खाया, लस्सी अभी खा लेंगे ना तो कुछ मामला थोड़ा बिगड़ ना जाए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्किप कर दिया, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पियेंगे लस्सी, यहाँ का लस्सी भी बहुत ही टेस्टी रहता है। और चाय इतना ज़्यादा गर्मी था कि मैंने दूसरा वाला, नटकारी मतलब में मिट्टी पैंट का जो पहन लिया था भाड़ है, मुझे और अंदर एक का। मेरे मैंने बोला भैया ला दो, ताकि बहुत अच्छा ज़्यादा गर्मी हाँ, था ना, दिया तो तो नहीं था मतलब मेरे पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो मैं रहा तो था, ये कर और रही थी मिट्टी क्या का बोलते हैं इस ऐसे वो, भाड़ में जब किस किस को जब चाय शाम को जब पसंद आया आता था है तब मैं ज़रूर वो रूम में बताना, बहुत स्क्रीन ज़्यादा कर मुझे रही तो थी बहुत पसंद शाम। है। तो सब कुछ हो गया था, उसके बाद मैं घर आई हूँ, और बिल्डिंग का देखो मिरर, देखो कितना गंदा है, ये लोग साफ भी नहीं करते यार। और मैं आके थोड़ा देर बाद, अपना थोड़ा काम था वो सब करने के बाद, मैं अपना मटन, आलू मटन मैंने बनाया था, और देख रहे हो कलर देखो सिर्फ, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ यार, तो मटन और चावल मैं खाऊंगी, क्योंकि न, बहुत टेस्टी है। और टॉम की तो एकदम मस्ती शुरू है, और मैं टाइसन के लिए कुछ लेके आई हूँ, एक्चुअली अमेजोन में मैंने कुछ ऑर्डर दिया था, उसको देती, मैं ना टाइसन के लिए कुछ लेके आई हूँ, तो मैं उसको देने वाली हूँ, देखते उसके रिएक्शन, वो खुश हो जाएगा। नया बॉल, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाओ। नया जंपी, आजा आजा, खुश हो गया बेटा। सो फ्रेंड्स,
आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। टाइसन को इतना बॉल अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा खेला, खेल के बेचारा थक गया। आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और टाइसन अभी सो रहा है।